ये नायशा मैडम को हो गया जुकाम और अभी उसके लिए स्टीम ले रही है मोटी वाली हरी मिर्च का अचार। ये देखिए मैंने चिली गार्लिक नूडल्स मंगाई थी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। देखो कितनी अच्छी धूप निकली है। अभी तो थोड़ी सौंधी सौंधी सी धूप है, अभी थोड़ी देर में एकदम धूप बालकनी में आ जाएगी और हम मजे से धूप सेकेंगे। और आज का व्लॉग कुछ इस तरह होने वाला है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा इस व्लॉग में। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ठंड में मिलने वाली मोटी वाली हरी मिर्ची का अचार। तो अगर आपको बनाना होगा तो आप भी मेरी वीडियो की हेल्प ले सकते हैं अचार बनाने के लिए। तो फिर मिलके बनाते हैं अचार और आप मुझे बताइएगा कैसा बना। मेरा भी घर का सारा काम हो गया है, लंच वंच रेडी हो गया है और रूम भी तीनों सेट हो गए हैं। तो अब मिलके बनाते हैं अचार, किचन में चलते हैं फटाफट ग्रीन चिली का अचार बनाने। तो चलिए मेरे साथ किचन में। आजकल मार्केट में आई है मोटी वाली हरी मिर्ची, तो मैं बस इसका अचार डालने जा रही हूँ। और गाजर का अचार मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा डला है। ये है मेरा इंस्टेंट गाजर का अचार। ये है मेरा इंस्टेंट गाजर का अचार, जिसे बस नॉर्मली अचार के मसाले में मल दिया है। और ये मिर्च के अचार की तैयारी हो रही है, जिसके लिए मैंने ये सौंफ, मेथी और राई पीस ली है। सरसों का तेल बढ़िया से गर्म हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, काला नमक, लाल मिर्ची, सूखे मसाले जो पीसे हैं मैंने, आमचूर, और बनाएंगे एक बढ़िया सा अचार। फ्रेंड्स बस ये तेल गर्म हो गया है, अब इसमें ये डालूंगी मैं थोड़ी सी हींग, हल्दी, उसके बाद थोड़ी सी ये लाल मिर्च, ये जो सौंफ वौंफ का मसाला मैंने पीसा है वो, ये गया इसमें काला नमक, और अब ये जाएगा इसमें सफेद नमक। सफेद नमक गया, अब जाएगा इसमें थोड़ा सा आमचूर। अब बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये मसाला पक गया, अब ये भरा जाएगा इन हरी मिर्चों में। और ये नायशा यहाँ खड़े होके मेरे को तंग कर रही है। बस ये मसाला मेरा तैयार हो चुका है, अब इसे मिर्चों में भरेंगे। सो बस अब इस मसाले को भरेंगे इन मिर्ची में। ये मेरा मसाला, ये मिर्ची, इसको अच्छे से भरेंगे दबा दबा के और एक सूखे बर्तन में रखते जाएंगे। हमारा मिर्ची का अचार रेडी हो गया। रेडी हो गया, रेडी रेडी हो गया ना मिर्ची का अचार। सो ये देखो मोटी वाली लाल मिर्च का अचार, नहीं मोटी वाली हरी मिर्च का अचार। मजा आया। और ये नायशा मैडम को हो गया जुकाम और अभी उसके लिए स्टीम ले रही है। नायशा आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। उसको बहुत बढ़िया लग रहा है स्टीम लेके। नायशा को बड़ा मजा आ रहा है स्टीम लेने में, खुद से लेनी है। ये मेरी बेटी के ठंड के साइड इफेक्ट्स हैं। ना शूज पहनोगे, ना स्वेटर पहनोगे, ना सॉक्स पहनोगे, तो ये तो करना पड़ेगा है ना। पहनोगे अब शूज, सॉक्स, स्वेटर्स भी पहनोगे ना? ओके थैंक यू। सो फ्रेंड्स नायशा को स्टीम लेना बड़ा पसंद है। इसको लेने के बाद इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। तो आज सुबह जैसे इसकी नोज ब्लॉक थी, उठते ही कहती मम्मा मेरे को स्टीम लेना है, और अब स्टीम लेते लेते कह रही है बड़ा मजा आ रहा है। देखो खांची हो रही है ना, सॉक्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, कैप पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, है ना, फिर खांसी नहीं होती, कोल्ड भी नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी जोमेटो से एक ऑर्डर मंगाया था, और जहाँ से मंगाया था उन्होंने बिल्कुल पैकेजिंग बिल्कुल ठीक से नहीं करके दी, और वो ऑर्डर आते आते में ही बिखर गया पूरा। तो डिलीवरी पार्टनर मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि मैम आपका ऑर्डर तो डैमेज हो गया है, अब क्या करें। तो फिर उधर से उन्होंने कंप्लेन रेज करी सेम चीज की। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और इधर से मैंने कंप्लेन रेज करी। अब देखो क्या रेजोल्यूशन निकालते हैं डिलीवरी वाले, जोमेटो वाले, दो बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग, और क्या कहते हैं कुछ अच्छा ही करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ किस कंडीशन में मैंने रिसीव किया। ये देखिए मैंने चिली गार्लिक नूडल्स मंगाई थी और वो बिल्कुल ऐसे स्पिल होके डिलीवर हुआ। जोमेटो वाले तो काफ़ी कोऑपरेटिव निकले। पहले तो बोलने लगे कि हम आपको प्रोमो कोड दे देते हैं जिसे आप इंस्टेंटली यूज़ करो, बट मुझे तो इंस्टेंटली अब कुछ चाहिए नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, रिफंड कर दिया टोटली अमाउंट। ये देखो कैसे डिलीवर हुआ था, कि कटलरी भी इसके अंदर ही छुप गई, बट यम्मी लग रही है देखने में तो बहुत। नायशा खाओगे?
ये भी सो के उठी है। तो चलिए मैं अपनी चिली गार्लिक नूडल इंजॉय करती हूँ और नायशा को पटाते हैं और अच्छे से खाते हैं। फ्रेंड्स, सुबह से शाम हो गई और नायशा ने बहुत तंग कर रखा है। पता नहीं आप लोग अपना वर्क फ्रॉम होम कैसे मैनेज करते हैं, मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए, क्योंकि काम के साथ इसको मैनेज करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, ये रूम में आ गई है और पेप्सी को भी ले आई है। प्रैम में रखा हुआ सारा सामान इसने नीचे फेंक दिया। 4 साल की होगी ये लड़की, पर फिर भी इसे प्रैम में बैठना है। पेप्सी और ये दोनों मिलके आतंक मचा रहे। ऐसा मत करो मेरी जान। नटखट दे दी, खत्म कर दी, पर नहीं चाहिए क्या चॉकलेट? पापा आएंगे ना, तेरी मार पड़वाऊंगी आज। नो चॉकलेट, नहीं नो। सुन रहे हो ना, कितनी देर से मेरे को वो कर रही है, मम्मा मेरे को चॉकलेट दे दो, मम्मा मेरे को चॉकलेट दे दो। सारा दिन चॉकलेट थोड़ी खा सकते हैं। जब नायशा छोटी थी हमने प्रैम ली थी, तब तो ये यूज हुई नहीं, क्योंकि तभी लॉकडाउन आ गया और कोरोना आ गया, तो एकदम नई पड़ी थी। अब ये लड़की इसका फुल यूटिलाइजेशन कर रही है, इसमें खेल खेल के। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी काठमांडू कनेक्शन 1 निपटाया है, जो कि सोनी लिव की वेब सीरीज है, और ये ऐसे क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ है कि मुझे दूसरा सीजन देखने से रोक ही नहीं पा रही हूँ मैं अपने आप को। तो फटाफट से अब देखते हैं, और अगर आपके पास सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है तो आप भी देखिए, और नहीं है तो फटाफट से सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि इस पे मैचेस वगैरह भी आते हैं, तो आप वो भी देख के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉग पे कमेंट कर दीजिए, अनमोल इसकी स्टोरी एक्सप्लेन कर देंगे अपने दूसरे चैनल पे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल आपको मिलेंगे एक और नए धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।